हाय गाइस, दिस इज आर्यन वर्मा एंड एक थोड़ा सा टची टॉपिक था. इट वाज ऑल अबाउट कंफ्यूजन बिटवीन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड आल्सो मशीन लर्निंग. कि ट्वेल्थ से निकलने के बाद जब भी हम किसी कॉलेज में जाते हैं फॉर परसुइंग अवर बैचलर्स, वेदर इट इज इन कंप्यूटर साइंस और नॉट, बट हमें एक स्किल एक मैनेज करना आना चाहिए, लाइक वेदर वी शुड नो एंड्रॉइड डेवलपमेंट और दिस इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट. सो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था कि सीनियर से जब पता लगता था अबाउट डिफरेंट स्ट्रीम्स, इट्स लाइक कंप्यूटर विजन, इट्स लाइक डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एंड फर्दर दीज थिंग्स लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो माइंड थोड़ा सा फंबल होता है कि लाइक क्या करना चाहिए, किसका स्कोप ज्यादा है, कौन सा ईजी है या फिर कौन सा हमारी बात के लिए कंसेप्ट क्लियर कर देगा. सो टूडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द कंसेप्ट. Guys, I'm not going to tell you that how to start with Android development because I'll be covering it in my next video. आप वो देख सकते हैं, मैं अभी जल्दी लॉन्च करूंगा. बट जैसे जैसे हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट परस्यू करते हैं, इफ यू आर मीन्स जस्ट स्टार्टर इन प्रोग्रामिंग, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट अगर आप 12th क्लास के हैं या फिर अगर आपने जस्ट बीटेक ज्वाइन करा और यू आर परस्यूइंग योर बैचलर्स टू, देन राइटिंग प्राइम नंबर्स प्रोग्राम एंड राइटिंग मीन्स सम ऑफ द प्रोग्राम्स टू फाइंड फैक्टोरियल्स इज इन कंसिडर प्रोग्रामिंग नो मोर. So, we can say that Android development आपको pursue करनी चाहिए. We will be covering the pros and cons such as first is the freelancing. While being in the college, अगर आप एक college में ही हो तो आप freelance करके बहुत अच्छा सम money का निकाल सकते हो by freelancing the apps. Also, जिस चीज को मैं better consider करता हूँ, that is second thing is startups. स्टार्टअप सच एज अगर आप मीन्स आपके कोई कजिन का बिजनेस है या फिर किसी का भी बिजनेस है, उसके बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो. गाइस, स्टार्टअप्स का ये है कि आपके पास अगर आइडिया है, लाइक मीन्स यू आर गोइंग टू असिस्ट अ रेस्टोरेंट और यू आर गोइंग टू मीन्स मेक अ ऐप फॉर बुकिंग द टेबल्स, सो ये सारे जो भी स्टार्टअप आइडियाज हैं इनसे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो. फ्रीलांसिंग द एप्स, सो ये दो चीजें, दो फायदे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आ जाते हैं. फर्दर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोर्स अलाइनमेंट. दिस इज लाइक कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हुए जब मैंने इसे स्टार्ट करा था तो फर्स्ट लैंग्वेज जो थी विच आई यूज्ड वाज जावा. अब जावा के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फर्दर जो भी उसके क्वेश्चंस थे जो मैंने उसमें लगाए बिफोर परसुइंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सो बस बीटेक में जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हमें पढ़ाई गई थी इट वॉज सी. सो सी को परस्यू करने के लिए, आफ्टर दैट सी के बाद सी प्लस प्लस सीखने के लिए, बहुत छोटे छोटे आईओटी के डिवाइसेस प्रोग्राम करने के लिए हमें सी और सी प्लस प्लस चाहिए होती है. सो इन कॉन्सेप्ट्स को भी जावा ने इजिली क्लियर कर दिया. एंड आफ्टर दैट इट कम्स कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्या सी मीन्स सी या सी प्लस प्लस से नहीं हो सकती? हो सकती है. एंड्रॉइड डेवलपमेंट, नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो है वो सी प्लस प्लस से भी होती है. एंड बहुत से ऐसे चीजें हैं जैसे अगर हम ओपन सीवी या फिर कंप्यूटर विजन को एंड्रॉइड में मींस इंटीग्रेट करते हैं तो फिर ये सी प्लस प्लस का ही काम होता है कि उसे वो वर्कआउट कराए ऑन द फ्रेम्स ऑफ एंड्रॉइड. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट फॉर द कोर्स अलाइनमेंट, कि ये कैसे आपके साथ कोर्स में भी मदद करेगा आपको, आपकी जो भी पढ़ाई हो रही है बीटेक की उसके साथ साथ आपको चलने में. बिकॉज अगर आप जावा कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जावा के, तो फिर आप उन कॉन्सेप्ट्स को सी प्लस प्लस तक भी खींच सकते हो. So, after that comes the ideas and the logic building. Guys, जब भी आप Android development pursue कर रहे हो, if you are trying to make an app for something different, something means very different, तो फिर it's like कि आप एक नया logic build कर रहे हो. Something like कि मैंने एक YouTube video देखी, उसमें ये था कि भाई कैसे कैसे e-commerce app बनाना है और मैंने बना लिया. वो आपका प्रोजेक्ट तो हो सकता है बट दैट इज जस्ट यूजिंग अ स्टैटिक नॉलेज. अगर आप डायनामिकली अपनी मेमोरी को मींस बढ़ाना चाहते हो, इट्स लाइक अपनी नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हो, यू शुड गो स्ट्रिक्टली फॉर क्रिएटिंग द न्यू आइडियाज. आप एक चीज सोचो कैसे करना है वो आपका काम है, क्यों करना है वो आप उसे लिबरेट करो, सारी चीजें लिखो एंड उस आइडिया को प्रोसेस करो. दैट इज लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छी हाइप दे सकता है, इट्स लाइक कि न्यूज में आप स्ट्राइक कर सकते हो एंड फॉर द मोर थिंग्स. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल क्लियर इट आउट कि आपको ये इसे एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करना है एंड 6-7 महीने में कैसे कवर करना है. लाइक आई एम जस्ट मीन्स मेरा अभी सेकेंड सेमेस्टर पूरा हुआ है, इट दैट इज ऑल ओवर 1 ईयर एट बीटेक एनआईटी हमीरपुर. एंड अभी मैंने एक कमर्शियल ऐप भी बनाया है एंड ऑल्सो आई हैव मेड अ रिसर्च ऐप. मीन्स मैं एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ हु कैन डेवलप फुल प्रोफेशन कमर्शियल एप्स टू. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट. नाउ लेट्स कम ओवर टू द वेब डेवलपमेंट. सो गाइज,
वेब डेवलपमेंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक यूट्यूब की वीडियो देखेंगे तो उसमें अगर वो बंदा या फिर कोई भी जो भी यूट्यूबर है वो अगर हमें सिखाता है कि वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, दे विल ऑल बी टेलिंग कि HTML सीखो, CSS सीखो, JS सीखो। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। व्हाइल यू वर इन क्लास 10th और यू वर इन क्लास 12th यू हैव प्रैक्टिस HTML, इफ नॉट प्रैक्टिस देन इट्स ओके, बट इट्स लाइक कि HTML इज ऑल अबाउट जस्ट लाइक इंग्लिश, कि उसमें जो टैग्स होते हैं वो हम लोग इंग्लिश की तरह समझते हैं, उसके बाद उसे मीन्स एक मार्कअप लैंग्वेज है वो, जो कि टेक्स्ट को मीन्स अलाइन कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से। सो गाइस, HTML हो गया, CSS हो गया, बट इज इट ऑल अबाउट इट? वेब डेवलपमेंट इतना बड़ा वर्ड, वेब डेवलपर्स इतनी इतनी मीन्स $1 million की सैलरी कमाते हैं, बट हाउ? Is it all like they know just three type of languages and some frameworks and they earn much? So like means guys, let's discuss further कि इसमें होता क्या है web development में, actual में मतलब क्या होता है web development का? It's not just developing websites and selling them to the clients, but it's very much more than this. So guys, let's discuss it. First thing is web development. जैसा कि मींस मेरा जो माइंड है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा जाता है, तो फर्स्ट थिंग आई विल कवर अबाउट इज ब्लॉगिंग। गाइस, मींस हम लोगों को कोई ना कोई नीच पसंद होता है। इट्स लाइक कि नीच में जस्ट लिख कर, जस्ट ब्लॉगिंग कर वो बंदा मींस अपनी अच्छी अर्निंग कर सकता है। एंड यू नॉट बिलीव दैट पीपल अर्न 25 lakh rupees अ मंथ बाय जस्ट ब्लॉगिंग। तो इट्स लाइक मींस वेब डेवलपमेंट, उन्होंने ब्लॉगिंग, अब मैं अगर आपको ब्लॉगिंग बोल रहा हूँ तो मींस बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस के रेफरेंसेस से या फिर ब्लॉग्स के ही रेफरेंसेस से यू विल जस्ट सेंस दैट कि ब्लॉगिंग तो इजी चीज है, वर्डप्रेस से मैं कर लेता हूँ। बट नो गाइस, अगर कोई बंदा 5 lakh या फिर 2 lakh से भी ऊपर अर्न कर रहा है अ मंथ, दैट डजंट मीन दैट ही इज जस्ट ऑपरेटिंग वर्डप्रेस एंड राइटिंग सम ऑफ द ब्लॉग्स ओवर इट। सो गाइज, मीन्स ब्लॉगिंग में बहुत सारे ऊपर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सो आफ्टर दैट कम्स डिजिटल एंड एफिलिएट मार्केटिंग। डिजिटल एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये दोनों वो चीजें हैं जो आप बीइंग इन द कॉलेज कर सकते हो। एंड ये दोनों चीजें करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो लाइक जैसे मैंने आपको प्रायर बताया कि HTML, CSS, JavaScript, अगर इन तीनों को यूज करके एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिव वन पेज साइट बनाते हैं या फिर मल्टी पेज साइट ऑल्सो यू कैन मेक, तो फिर आपकी मींस इन तीनों चीजों में कितना अच्छा मींस वैल्यू क्रिएट हो सकता है, कितना अच्छा लिविंग क्रिएट हो सकती है। इट्स लाइक यू हैव दैट नॉलेज, यूज इट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपना ब्लॉग बनाओ, आफ्टर दैट कम्स, अब ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग में ऐसी क्या खास बात होती है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी क्या खास बात होती है जो उन्हें रैंक कराते हैं, मींस उतने हाई मींस मनी, इतने हाई इनकम कमाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो अगर इस वर्ड में हम जाएं, सो पहला नाम जो हम सुनेंगे, आप कभी भी सर्च करके देखिएगा नेट पे, इट वुड बी नील पटेल। दिस गाय राइट्स हिज इंट्रो दैट आई नो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स इट। गाइस, ही इज अ वेब डेवलपर, लेट मी टेल यू। बहुत से लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कर लो, आप वेब डेवलपर बन जाओगे। बट वेब डेवलपिंग मींस कि जो आप ब्लॉग्स बना रहे हो, जो आप डिजिटल मार्केटिंग साइट्स बना रहे हो, ई कॉमर्स साइट्स बना रहे हो, उन्हें रैंक भी तो कराना है आपको। देयर आर ओवर 1 million ब्लॉग्स फ्लोटिंग ओवर द इंटरनेट जस्ट लाइक दिस। एंड उनकी रैंकिंग कैसे होती है? जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो, आज मैं कोई चीज सर्च करूं अगर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, फर्स्ट थिंग्स विल बी स्टैक ओवरफ्लो, गीक्स फॉर गीक्स एंड दीज थिंग्स। सो ये क्यों? क्योंकि इनकी रैंकिंग है। मींस इस पे एक वेब डेवलपर्स की पूरी टीम है। दे आर प्रैक्टिसिंग SEO, दे आर प्रैक्टिसिंग मेनी अदर थिंग्स, दे आर टेकिंग द केयर ऑफ द फ्रेमवर्क सच एज बूटस्ट्रैप एंड ऑल्सो द थिंग्स विच आर एंगेजिंग सच एज बैकएंड फ्रेमवर्क्स एंड ऑल। सो गाइज, मींस वेब डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि अगर आपको इस वर्ल्ड में आना है, ब्लॉगिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो यू कैन प्रैक्टिस वेब डेवलपमेंट। गाइज, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं है कि आप अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो तो फिर वेब डेवलपमेंट करते करते आपको जो है छूट जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। गाइज, अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए। और 3 या 4 साल दे आर इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल द 3 traits रिटन हेयर। बट फर्स्ट अगर आपको स्टार्ट करना है, तो अगर आप अलाइन रहना चाहते हो कोर्स के साथ और फिर भी मींस अच्छी अच्छी चीजें करना चाहते हो, स्टार्टअप्स परस्यू करना चाहते हो, you can go for the Android development. And if you are you can practice content writing, you can practice means अपना अपने आप को means
रैंक कराना चाहते हो अपनी लैब मीन्स अपना जो भी आपका रिटर्न कंटेंट है उससे रैंक कराना चाहते हो देन यू कैन स्टिल गो फॉर वेब डेवलपमेंट. इसमें भी फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा होता है कि जस्ट फॉर फाइंडिंग योर पॉकेट मनी यू कैन गो टू द सैटरडेज मीन्स ऑन जस्ट सम साइट्स लाइक फिवर और फ्रीलांसर यू कैन टेक सम ऑर्डर्स एंड यू कैन अर्न मच इट्स लाइक $100 to $150 पर ब्लॉग. एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट मशीन लर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मशीन लर्निंग के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भी चीजें होती हैं हम लोग मशीन लर्निंग में करते हैं इट्स लाइक लिंकिंग विद द कंप्यूटर लिंकिंग द हैंड मीन जेस्चर रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली. कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग दे आर द सबसेट्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड ऑल्सो द आईओटी वर्ड इट मीन्स आईओटी वी कैन से दैट इट इज लिंक टू सी एंड ऑल इट इज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मोर. सो गाइज मशीन लर्निंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मीन्स यू मस्ट बी सीकिंग द प्रोजेक्ट सच एज हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन यू कैन मीन्स प्रोसेस द थिंग्स ऑन योर लैपटॉप विद जस्ट जेस्चरिंग यू कैन स्टॉप द मूवी विद दिस जेस्चर दैट्स ऑल अबाउट मशीन लर्निंग एंड अगर दैट्स ऑल अबाउट मशीन लर्निंग एंड अगर आप इस वर्ल्ड में आना चाहते हो देन यू मस्ट हैव फर्स्ट द प्रायर नॉलेज ऑफ सम लैंग्वेज टू. मैं एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट द मेनी एल्गोरिदम स्टडिंग टुगेदर. सो बेसिकली कोई भी एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने से पहले एक हमें लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको इस चीज के लिए कब जाना चाहिए. सी गाइस इसमें जॉब भी मींस इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 400% एंड एक्सपेक्टेड इंक्रीज तो यही है कि मीन्स ये 2022 तक भी अगर ज्यादा से ज्यादा गिरा तो 317% तक गिरेगा बट द जॉब्स विल इंक्रीज मीन्स रैपिडली एंड स्विफ्टली. सो गाइस इसके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया जेस्चर रिकॉग्निशन वगैरह. एंड हाँ फॉर स्टार्टअप्स इन दीज टू थिंग्स यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विस बट अगर आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है नया कुछ बनाना है तो फिर यू कैन गो फॉर मशीन लर्निंग. अगर आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं विच कैन बी एन एजुटेक स्टार्टअप अगर आप एक प्रोडक्ट मींस लाइक अ टच स्क्रीन कीबोर्ड विच कैन जस्ट वर्क विद द जेस्चर्स सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग. अगर आप एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है दैट कैन वर्कआउट विद मशीन लर्निंग देन गाइज डोंट थिंक एट ऑल जस्ट गो स्ट्रिक्टली विद इट. आई वुड सजेस्ट दैट. सो गाइज आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स अबाउट एंड्रॉइड वेब एंड मशीन लर्निंग I would just suggest that don't worry. ये तीनों traits ऐसे हैं it can be covered in the 3 or 4 years of your bachelor's. And first of all, ये इन दोनों का तो मैंने आपको बता दिया कि web आपको तब start करना चाहिए जब आपको अपनी writing की जो भी skills वगैरह हैं आपकी वो आपको process करनी है net तक. लेकिन Android आपको तब start करना चाहिए अगर you are more of a means geeky guy in creating the apps, in creating the startups, in creating many other things. So guys, you can go for Android development. ये आपके कोर्स के साथ भी अलाइन करेगा एंड वेब में थोड़ी सी अलग चीजें हो जाती हैं लाइक HTML, CSS एंड JS. सो आफ्टर दैट कम्स मशीन लर्निंग. सो गाइज बिलीव मी इनमें से तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हाथी के पैर जैसा बहुत बहुत हैवी हो. इट्स लाइक वेरी इजी यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. सो जस्ट एक चीज को सिलेक्ट करो एंड स्टार्ट वर्किंग विद इट. एंड कुछ भी डाउट्स होते हैं मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे वेब डेवलपमेंट पे एंड मशीन लर्निंग पे अपने वीडियोस पुश करूंगा कि इसे कैसे स्टार्ट करना है इसे कैसे प्रोसेस करना है. इसके अलावा कोई भी करियर रिलेटेड डाउट्स यू कैन कमेंट मी यू कैन मेल मी डायरेक्टली और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट info@rn.com. आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स. थैंक यू.